नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इनोवल ज्ञान पे स्वागत है। रेस्क्यू किया है, उनकी जान बचाई है, साथ ही साथ 19 ईरानियों की भी 19 ईरानियन क्रूज की भी जान बचाई है। पुतिन ने अटैक किया था, ऑयल वेसल पर निशाना बांधा था। 11 पायरेट्स की पायरेसी को नाकाम बनाने के लिए आईएनएस सुमित्रा ने जबरदस्त ऑपरेशन सरंजाम दिया है। विद इन 36 आवर्स इंडियन नेवी ने ना सिर्फ ईरानियों की बल्कि 17 पाकिस्तानियों की भी जान बचाई है, जिनको होस्टेज बना लिया गया था हुतीस की जानिब से, पायरेट्स की जानिब से। आपको भी बहुत अच्छे तरीके से उनको बचा लिया गया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जानिब से कोई शुक्रिया का पैगाम नहीं भेजा गया। पाकिस्तानी आवाम को इस खबर के बारे में बताते हैं, एक तो पहले अरेबियन सी में, रेड सी में भारत की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, और ऊपर से जिस तरीके का कारनामा अंजाम दिया गया है, भारत की वाह वाह हो रही है कि किस तरीके से पायरेसी को उन्होंने नाकाम बनाया और 11 पायरेट से उन्होंने जान बचाई है। एक्टिव जिस तरीके से हुए हैं वो पूरी दुनिया ने देखा है। आए बढ़ते हैं आवाम को इस बारे में बताते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से क्या जेस्चर जाएगा भारत के लिए, हम क्या पैगाम देते हैं कि हमने पाकिस्तान की जान बचाई है। आए बढ़ते हैं आवाम की जानिब, उनसे के रिव्यू देते हैं, मिलते हैं। Definitely, it's a good sign, good gesture for on a humanitarian grounds. We really appreciate for that. No doubt, we are aligned enemy. Despite of that, they're doing a good job. So we like it. Thank you. हम कहते हैं, हम हमेशा से ये कहते हैं कि वो हमारे दुश्मनों को चाहते तो कहते कि इनको होस्टेज बनाए रखो, हम सिर्फ ईरानियों को बचा के लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया है। इसके बाद क्या जैसे जा रहा है और हमने शुक्रिया भी अदा नहीं किया होगा। नहीं देखें, वो गवर्नमेंट लेवल पे क्या करते हैं, who cares? But you can't change our neighbors. We are neighbor. We have to live together. So being a human being, being a common man, I like that. It's a good gesture. It's a good gesture. अब उस एरिया के अंदर भारत की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि एक तो उन्होंने 36 घंटों के अंदर दो ऑपरेशन किए हैं वहाँ पर और बाखूबी रेस्क्यू किया है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है उनकी इंपॉर्टेंस सी में कितनी मैटर करेगी? इंपॉर्टेंस वरना अलग ही फैक्टर है। अगर ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान नेवी को अवेलेबल होती तो डेफिनेटली वो भी जाते, वो भी यही काम करते। तो इट डजंट मीन कि उन्होंने ये काम किया है तो उसके साथ साथ उनकी जो गलती है उनको माफ कर दिया जाए, जैसे कश्मीर में कर रहे हैं ना कश्मीर। भाई पहली बात तो ये, तुमसे माफी कौन मांग रहे, तुम हो कौन वे, तुमसे माफी मांग, मैं कौन तो मैं खामखा वाली बात कर रही हूँ, तुमसे माफी मांगे, आतंक तुम फैलाओ, आतंकवादी तुम भेजो और माफी हम तुमसे मांगेंगे, ऐसी बातें कर रहे हो यार, तुम भी मदरसा छापी हो क्या? कश्मीर पे जो उनकी इंफ्यूजन है, कश्मीर पे जो तसल्लुत किया उन्होंने, उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। हमारे कश्मीर का क्या हाल है, देखिए सरहद पार पे बाद में बात कर लेंगे, पहले अपने कश्मीर का बता। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या है हमारे कश्मीर में, क्या नहीं है? तो रिसेंटली उसका विजिट भी करके आई हूँ, जो हालात है मैंने तो अपनी आंखों से देखा। देखे क्या अभी किसी भी खिते में क्या चीज मैटर करती है, तो बेसिक फैसिलिटीज हो, दूसरा आपके एजुकेशनल राइट्स हो, तो दूसरा आपको बेसिक जो जीने के लिए फैसिलिटीज चाहिए होती है वो होती है। जब उनको इस चीज के उनको ये सारी चीजें नहीं मिल रही है, तो देखिए हमें तो पहले अपने कश्मीर को सुधारना है ना। डिपेंड करता है कि आप टेबल में किस तरह बैठे हैं, आप विद इन रिसोर्सेज लेके जाएंगे। हमारे गवर्नमेंट के पास, हमारे मुल्क के पास जो रिसोर्सेज है उसके अंदर रहते हुए, अगर आप लास्ट 75 ईयर देखें, उसमें जो जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो पाकिस्तान के पास था क्या? अब देख रहे हैं 75 ईयर में जो डेवलपमेंट हुई है, रिसोर्सेज यूटिलाइज किया है, डेफिनेटली हमारे पास हमारे ह्यूमन पावर का कुछ भी नहीं है, कैपिटल होना चाहिए हमारे पास, इंडस्ट्रीज आई थी उनका भी हमने खुद बुरा हाल किया। वो पॉलिटिकल डिसीजन हुए हैं, जब हमने नेशनलाइज किया, बटोदर में नेशनलाइज हुई, इंडस्ट्रीज हुई, तब के बाद इंडस्ट्रीज स्केयर्ड हो गया, डर गया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। ये तो हम कश्मीर पर बात लेंगे ना, आपके लिए उनकी गलतियों को नजरअंदाज कौन सी गलती इनके इंडियन गवर्नमेंट? डेफिनेटली वी आर अलाइंड एनिमी। हमारे अगर देखा जाए सबसे बड़ी गलती है कि हमारी जो स्पोर्ट्स है डिफरेंट होनी चाहिए, क्रिकेट क्रिकेट को अलाउ नहीं करते, पाकिस्तान के साथ खेलना पसंद नहीं करते, तो किस तरह कर सकते हैं उसको, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट जाएं, इट्स अ गुड जेस्चर। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, मॉरल लाइबिलिटी भी थी कि वो रेस्क्यू करते, तो उन्होंने किया। इट डजंट मीन टू से कि भाई हमारी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, तो हमें टैक्स देते हो या तुम्हारा हमने ठेका ले रखा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एज अ ह्यूमैनिटी बेस पे हमने करा है, ठीक है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। हम उनको गले से लगा रहे हैं, क्या कुछ भी दर्द एप्रिशिएशन लेटर लेके भेज दे, थैंक यू कह दे, ऊपर ऊपर से लेटर लेके भेज, नहीं पेंसिल से लिखते हैं, ऊपर ऊपर से लेटर लिखते हैं, तो लिखते हैं। वैसे मैं कह रही हूं कि देखिए बड़ा अच्छा ये जैसे है, ये इराकी की पढ़ाई का अच्छा जैसे है। और क्या किया जाए, आप बताएं, और क्या कर सकते हैं? आप कह रहे ना कि वो एनिमी है हमारा, उनसे बनता नहीं है, तो वो 40 ईयर से लेकर अब तक 99 तक हम कितनी जंग लड़ चुके हैं, कितनी लड़ी, नहीं नो नो कोई पाकिस्तानी चला जंग लड़ना, कोई नहीं, तो हमारी इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं करती जंग, ठीक है, हम अपने पॉपुलेशन को अपने दे नहीं पा रहे, हम जंग अफोर्ड ही नहीं करते, नॉट ओनली भी इंडियन भी अफोर्ड नहीं करता, इंडियन में 140 करोड़ की आबादी है, वो कम से कम आ गया, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम ज्यादा कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, कोई पोलिटिकल पार्टी इस चीज को इंडियन की जो दुश्मनी है इसको यूटिलाइज करके वो नहीं मांग रहे, लेकिन बदकिस्मती से इंडिया में जब भी इलेक्शन होता है मोदी साहब कोई ऐसा इवेंट झूठ, क्या बात कर रहे हो यार, कितने झूठ बोलते हो तुम, हर एक इलेक्शन में पाकिस्तान के इलेक्शन में इंडिया का जिक्र करते ही करते, खासतौर से जैसे कश्मीर का, ठीक है, तुम यार नशा वशा करते हो क्या या अफीम वगैरह सुनकर आए हो,
हर एक इलेक्शन, इमरान खान का भाषण देख लो भाई, हर एक भाषण में उन्होंने क्या करा, इंडिया को टारगेट कराया। ठीक है, तो तुम बात करते रहते हो, तुम देख लेना यार। इंडिया में जो करते हैं, इंडियन जो करते हैं, बताओ मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट करके तो इलेक्शन लेते हैं। इंडिया के किसी मस्जिद में बम ब्लास्ट नहीं हुआ आज तक, ठीक है ना। तुम्हारा तो हर महीने बम ब्लास्ट होते रहते हैं, हर महीने लोग मरते रहते हैं, कभी स्कूल में, कभी फलान, कभी कहीं पे भी। ठीक है, किसी भी हमारे देश में, हमारा देश एक सेकुलर देश है, हर एक धर्म को समान अधिकार दिया जाता है। ठीक है, और हम जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पे, यार नशा करके आते हो तुम लोग यार। लेकिन वो मुस्लिम आधा की तरह आधा बटेर हैं, उनमें से हार्डकोर मुस्लिम कितने रह गए ये देखे हम। क्यों नहीं बुला लेते फिर हम उनको, हम इतने खैर पॉइंट भाई भाई वो वहां पर रहना चाहते रहे, ये लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम है, लिबर्टी ऑफ लेबर, जहां रहना चाहते हैं हम पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिक पोजीशन। भाई तो तुम बीच में क्यों आते हो, जब तुम उनको उनको जहां रहना और रहेंगे ही, तुम बोलते क्यों हो बे। तुमसे किसी ने सलाह मांगा है, हमारे देश के मुस्लिम ने कभी तुमसे मदद मांगी है, फिर तुम आते कौन हो बे। यार कसम से और तगड़े वाला नशा करके आते हो तुम लोग यार। ठीक है, हार्ड कोर मुस्लिम, सॉफ्ट कोर मुस्लिम, भाई ये इंडिया है। ठीक है, सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाता है, तुम्हारी तरह नहीं है। ठीक है, देखें क्या ये पीस ऑफ लैंड इतनी पॉपुलेशन को कर रहा है, हम अपनी पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर पा रहे, हम इंडिया से बुला रहे हैं, नहीं वो उनकी अपनी है, जाए तो इंडिया में एक नया पाकिस्तान बना ले। एक मिनट में पलट गया यार, क्या आदमी यार, कसम से हाइपोक्रेटिक हो यार तुम, कसम से नमूना हो तुम यार, एक मिनट में पलट गया है बंदा। तहरीक जो होती है ये सदियों की मुहित होती है, ये एक दिन दो दिन से नहीं होती, ये जो अग्रेशन होता है पब्लिक का, ये एक दिन में बाहर नहीं आता, इंकलाब ऐसे नहीं आते, इंकलाब के लिए टाइम लगता है, होगा। आप अपने टॉपिक से निकल गए हैं, आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि इंडिया, सवाल तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले, मैं आपको कह रही थी कि अरेबियन सी के अंदर अब उनकी प्रेजेंस कितनी मैटर करती है, मेरी पूरा सवाल तो होने दे, उनकी प्रेजेंस ये माने नहीं सकते। जब तुर्की ने जलजला आया था तो उन्होंने एड भेजी थी, तो तुर्की ने उनको अपना दोस्त बुला लिया, क्योंकि आपस में क्लैशेस भी चल रहे थे, इसी तरह से अजरबैजान के अंदर, इसी तरह से बहुत सी कंट्रीज के अंदर आया था, तो उनकी प्रेजेंस उन कंट्रीज में बहुत मैटर करती है। अभी अरेबियन सी के अंदर उनकी प्रेजेंस बहुत कितनी मैटर करती है, मेरा ये सवाल था। वो मैटर करती नहीं करती मुझे नहीं सबका पता, एज अ कॉमन मैन बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर अच्छा काम किया है तो हम उसको वेलकम करते हैं, इस तरह के अच्छे काम तो हमने भी बड़े किए हैं। रिलेशन हमारे अच्छे होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए, रिलेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि जितनी कॉमन आवाम है वो सारे उनके साथ अच्छा चाहते हैं रिलेशन, रिलेशन में तो कोई भी किसी का अगेंस्ट नहीं जाता। ये तो गवर्नमेंट है, वो उनकी स्ट्रेटेजी लग गया, लेकिन जो आप कितनी कॉमन पर्सन देखेंगे, कोई भी बंदा जो बच्चों वाला है, जिसके अपने बच्चे हैं, वो कभी भी नहीं कहेगा अपने बच्चों का नवाला निकाल के और दे दिया जाए, हर कोई अमन चाहता है, कोई नहीं लड़ाई चाहता, ये लड़ाइयाँ ये तो पॉलिटिकल उनके शॉट्स हैं वो चल रही हैं। हमारे ऑफिशियल लेवल पर आपको क्या लगता है कि अच्छा पॉजिटिव प्रेशर जाएगा इस चीज का? डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए, अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना, प्रेशर एक लेटर छोटा सा लिखते हैं और फिर वही दिलों में नफरत है। वो देखिए जिस तरह आप इस इंटरव्यू में से बार बार इंडियन पाकिस्तान की नफरत निकाल रही है ना, निकाल रही है ना, नहीं नहीं आप निकाल रही है, मैं नहीं निकाल रहा, आप नहीं निकाल रहे, आप उसको अगेंस्ट को वो जो हेटर्ड है उसे निकाल रहे हैं, बात है ना, निकालनी भी चाहिए ये, जैसे जब तक आप जैसे रहेंगे ना व्लॉगर्स एंड ये, फिर अमन नहीं होगा, कैसे अमन नहीं होगा, मतलब अगर हम नफरत को नहीं, मैं कह रही हूं दुश्मनी खत्म होनी चाहिए, मैं ये मैंने कब कहा कि दुश्मनी पड़नी चाहिए, तो फिर आप कहते हो नहीं किया, ये लेटर लिख लिया तो क्या इसका मतलब है कि कल निकाले, मैंने उस चीज को पॉइंट आउट किया है, मैंने एक तो लीजिए ना, अब आप मेरी नहीं सुनेंगे, मैं कैसे आपको अपनी बात समझाऊंगी, मेरा मतलब यही है कि देखिए पॉजिटिव प्रेशर आया जितनी देर तक हुआ दुश्मन तो दुश्मन ही है ना, मेरी बात सुन,
हम मुसलमान है वो और मजहब के लोग हैं भाई। ये तगड़ा वाला भाई साहब, ये तगड़ा वाला अफीम चाट रखा है, मजाक नहीं करता हूँ, कसम से इसकी बात जरूर सुनना, ये बहुत तगड़ा वाला है, कसम से जिहादी लग रहा है मुझे, ये पक्का मदरसा में पढ़कर आया है। आप इसकी बात सुनो, बड़े ध्यान से सुनना इसकी बातें। चाइना और मजहब का है, लेकिन चाइना के अंदर इंसानियत वाली बात है। डॉलर की बात हम नहीं करते, मुसलमान जो है ना, मुसलमान चाइना ने हमारा बहुत साथ दिया है। कर्जा तो जब तुम मुश्किल वक्त में होता है, तुम होती हो, तुमको कोई कर्जा दे तो वो अच्छा नहीं होता। सऊदी ने भी दिया, वो तो उसने भी दिया, दुबई ने भी दिया, वो तो सबने दिया, अलग क्या किया चाइना? चाइना ने बहुत सारे ऐसी पैक नहीं, हमारा रोजगार मुहैया होगा। वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है सबको भूल जाएंगे? नहीं, उसको क्यों भूलेंगे, वो तो उसी जगह पे बात खड़ी रहेगी ना। उसके बाद ऐसा ऐसा जो भी उसके मुतबादल करना हो हमारी के बारे में क्या है? भारत तो हमारा साथ दिया, दुश्मनी हो तो कितनी अहमियत बढ़ जाएगी इस बात इस किस्से के बाद? बात बने या ना बने, लेकिन दुश्मन दुश्मन ही है। दुश्मन होता है, चाहे वो आपकी जान बचा ले, लेकिन है वो दुश्मन ही, हम तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे ना। नो हाँ, नहीं क्यों नहीं, इंसानियत मर गई? नहीं नहीं, इंसानियत अपनी जगह पे है, लेकिन मुसलमानों के तो वो दुश्मन है। कैसे दुश्मन है ये बात? एक मुसलमान है, एक और मजहब है, क्या उसका फर्क नहीं है? ये मैं वही तो कह रही हूं, ये तो चाइना का भी फर्क है ना, जिसको आप सोच बोलो। चाइना ने किसको नुकसान पहुंचाया है? मुसलमानों को। कब? पाकिस्तानी मुसलमान थे। अच्छा, आपके लिए सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी होने चाहिए और जो मर्जी मुसलमान? दुनिया के जो मुसलमान है ना, कलमा को, मैं तो वैसे बाय द वे बात कर रहा हूँ। तो छोड़े, मुझे ये बताएं, भारत ने मुसलमानों को क्या नुकसान पहुंचाया? भारत ने क्या नुकसान? भारत ने हमारे साथ दो जंगे लड़ी है। हाँ, तो मुसलमान जो उधर बैठे हैं उनका जीना हराम भाई। भारत ने जंग नहीं लड़ी, तुमने भारत पे हमला करा था, फिर तुम्हारा मुंह थुथन फुला दिया गया था, ठीक है? हमने कभी भी किसी पे पहले हमला नहीं करा है, जो हमला करते उनको, जो हम पे हमला करते उनको औकात दिखाते हैं, बस हम यही करते हैं। फिर उनको इधर बुलाते क्यों नहीं आते? इधर तो वहां पर क्यों आना पसंद करते हैं? हमने तो इस्लामिक जो हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान तो मुसलमान है, तो वो इधर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये एक मुल्क में 100 आदमी के रहने की जगह है, तो 500 उसको इधर बैठा दे तो आप किधर जाओगे? अरे अपना काम अपना घर कोई भी नहीं छोड़ता। देखिए, जहाँ जुल्म होता है ना, वो हज़रत अली का कौल आपको भूल गया कि जुल्म नहीं बर्दाश्त हो सकता। जहाँ जुल्म हो वहाँ कोई नहीं रह सकता है। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, करना चाहिए आपको एक कमरे में मैं बंद कर दूँ, ना पानी दूँ, ना खाने को दूँ, जुल्म इतना ज्यादा करूँ, आपका क्या दिल करेगा कि आप उस दरवाजे को तोड़ के भागे? आप बाहर रहना पसंद करेंगे? सेम उन्हीं के केस में भी तो सेम यही है। उनके बाप दादा की उधर कब्रें हैं, घर हैं, किसी का दिल नहीं करता घर छोड़ने। जुलम का मुकाबला तो फिर करते ही है। हाँ, मुझे आपने देखा नहीं है, मुसलमान जो है वो जब मोदी जुलम करता है तो मुसलमान का मकाम भी है ना, जो शहीद हो जाता है। ये चीज सऊदी को नजर क्यों नहीं आती है? दुबई को नजर क्यों नहीं आती है? हम कोई अनोखे लोग हैं जो सऊदी को नजर नहीं आता है, दुबई किसी मुस्लिम कंट्री को नजर नहीं आता, वो सब हमें नजर आता है। अब चाचा का रिप्लाई, जो सऊदी वाली बात तुम करती हो ना, वो नुकसान पहुंचता है आपके दिल को, ठेस पहुंचती है। ठेस पहुंचे या ना पहुंचे, घूमते मुसलमान को, मुसलमानों का जो है ना, मुसलमानों के लिए खड़ा होना चाहिए। देखो अब इसराइल जो जुल्म कर रहा है फलस्तीन के अंदर, सबसे पहले सऊदीया को चाहिए था खड़ा होना। ये लोग अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए हैं। पाकिस्तान भारत की बात, पहले हमास ने इसराइल पे हमला करा था, फिर उसने रिटेलिएट करा है कि नहीं? मतलब मुसलमान जाके किसी पे हमला कर दे लेकिन उसको कुछ ना कहे, यार कसम से यार, बड़े खतरनाक पिस्तौल हो भाई, जिसमें गोली भी नहीं डाल सकते। शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका? नहीं, मैं इस बात पे नहीं, नहीं अदा करना, नहीं बचा लिया, भी शुक्रिया नहीं अदा, बचा लिया तो ये कौन सी बात है? 17 जाने आपके लिए कोई मैटर नहीं करती है, आपके लिए कोई मैटर हम नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। हमने भी कई दफा उनको बचाया, क्या शुक्रिया अदा करते हैं? शुक्रिया तो अल्लाह का अदा करो, किसी इंसान को वसीला बना के भेजता भूल गया? और नहीं, अल्लाह ताला मेरी बात सुनो, जो लोग बच जाते हैं ना उनका दाना पानी अभी जमीन में होता है, बचाने के लिए अल्लाह ताला वसीले बनाता है, ये बात भूल गए? वसीले को बता, डूबने को तिनके का सहारा। चलो जैसे तुम बोलती हो, शुक्रिया की अदा करना चाहिए, वो तो बता दो, बस बात को सीख रेड जाए, अच्छा नहीं करेगा तो हम, आप मीडिया पर आ गए तो आप कैमरे के आगे आ गए तो आप बता दें क्यों शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? नहीं, इस बारे में मैं कुछ भी अच्छा बीट है, जिगरा मैं किसी से नहीं डरता, अल्लाह से डरता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बता दें क्यों शुक्रिया अदा नहीं करना? मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा,
क्या मान है मुसलमानों ने बचाया तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसान ये कहो हाँ मुसलमानों ने बचाया तो शुक्रिया अदा, लेकिन कटोरी लेके भीख मांगने बिना मुसलमानों के पास चल जाते। जिस चाइना से तुम भीख लेते हो वो भी नॉन मुस्लिम है भाई, अमेरिका जो तुमको डॉलर देता है वो भी नॉन मुस्लिम है, वो तो तुम ले लेते हो यार। उस टाइम पे शर्म नहीं आता, उस टाइम पे तुमको ध्यान नहीं रहता नॉन मुस्लिम मुस्लिम में फर्क। अगर इंडिया गर्ल को पैसे तुमको देने लग जाए, डॉलर देने लग जाए, तुम पाँव पकड़ के आ जाओगे कसम से, इसीलिए तुमको भिखारी कहते हैं सर। नहीं ये नहीं हो सकता, मुसलमान तो यहाँ झंडे गड़ते हैं, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल झंडे लहराते हैं हम, आप क्या बातें कर रहे हैं? आपके सिर्फ एक मेरी बात सुनिए, आपके जज्बात सिर्फ एक कंट्री के साथ ही जुड़े हुए हैं, आप हर किसी को नॉन मुस्लिम कह रहे हैं सब। आप ये नॉन मुस्लिम वाला दौर नहीं है, आप इंटरनेशनल रिलेशंस वाला दौर है, आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं है, हक हो गई आपके वाली, उन्होंने एक अच्छा काम किया बजाय हम मुसलमानों का तो इखलाक मैटर करता है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर? सोशल मीडिया पर हम यही पैगाम देना चाहते हैं, ठीक है उन्होंने बताया तो हमारे मुल्क में भी कई इंडियन समंदर में हमारी फोर्सेस ने भी उनको बचाया, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसके बारे में हमारा एटीट्यूड है ना कि ठीक है बचा लिया तो क्या गंदे पर बैठा, इसी वजह से आज हमारी तमाम हमारे के साथ खराब है, ठीक है इसी वजह से तमाम हमारे के साथ खराब है, फर्क हमें लेकर बैठ गया नहीं, फिर फर्क से मना किया गया वो और तो फर्क है, ये तो फर्क नहीं है, ऐसे ढूंढ मूड चलती है बात तो फर्क है और बात थोड़े, यही तो फर्क आपको नजर आता है। आप मीडिया वाले भी जो है मेरी बात सुनो साथी को, हो सकता है ये आप बात ना ऊपर बात ये कि एक तरफ इंसानियत भी है ना, सिर्फ ये तो नहीं है कि मसलन आप एक नजरिए के पीछे चलेंगे, समझ गए आप, अगर आप खुद से भी मसलन पानी में गिरेंगे और आप देखते कि यार वो मर रही है, समझ गए, तो उसको भी इंसान बचाते हैं, इंसान तो बहुत बड़ी चीज है, तो बात अगर उन्होंने किया तो अच्छा किया है, उससे भी बहुत बड़ी चीज है जो दुश्मन हो गया वो तो जान की परवाह नहीं करता, दुश्मन कहते किसको है उन्होंने, अच्छा वो ये भी तो कर सकते थे कि ये पाकिस्तानी है इनको हम जैसा माल बनने देते हैं, लेकिन उन्होंने जान बचाई, बहुत पॉजिटिव जैसे अच्छा बात है उन्होंने बचाए, लेकिन इधर और भी बात है, मसलन इधर हम उनके जासूस पकड़ लेते हैं जो बराह रास्त मसलन हर चीज में मुलव्वस होते हैं, मसलन जिस तरह वो कुलभूषण था जो उस दिन बहुत बड़ा जो उनका नेटवर्क था वो पकड़ा गया, उसके अलावा कौन था? उसके अलावा जो उस दिन जो बड़ा वो पकड़ा इन्होंने नेटवर्क, ये 5-4 दिन हो गए समझ गई, ये जो उस दिन जो पकड़े बलूचिस्तान में समझ गए, तो देखो वो आते हमारे यहाँ मसलन कुलभूषण को जो तुम्हारा बलूचिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है जो ईरान पे हमला करता है उसने पकड़ के तुमको दिया था तुम्हारे आर्मी वालों को, और हम अभी भी क्या है कुलभूषण यादव के साथ खड़े हैं, ठीक है हम डिफेंड करते हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं है, तुम कसम से मदरसा छापो, ठीक है जिस मर्जी को वे गुनाह को पकड़ के तुम आतंकवादी साबित करते हो, ठीक है इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों नहीं टिक पाए भाई तुम, वहां पर तो तुम्हारी आवाज ही निकली है ना, लेकिन फिर भी हम कहते कि ये दोस्ताना माहौल जो है बाकी हो इसमें भी पकड़ा है हमें, जो उन्होंने जो हमारे पकड़े हमें उनकी लाशें तो मिली है लेकिन हमें दोबारा वो जिंदा नहीं मिले, तो बात ये कि जैसे वैसे भी हो हमें एक बात आज कहना चाहता हूँ कि जो इंटेलिजेंस अगर जो भी हमारी इंटेलिजेंस की होती है ना इंस्टीट्यूट होते हैं वो हर कंट्री के अंदर मौजूद होते हैं, हर कंट्री के, आपको क्या लगता है यहाँ पर अमेरिका की मौजूद नहीं होगी, हर कोई मसलन अपने हिफाजत के लिए कोई किसी को किधर भेजेगा कोई किसी को किधर भेजेगा, आप अभी भी कहेंगे कि उन्होंने नहीं सही काम किया भारत की बात, उन्होंने हमारे बात है काम उन्होंने अच्छा किया, जैसे हम उनके गलत बात की मुजम्मत करते तो इस बात की हम उनको दाद देते हम उनको खुशामदी देते पड़ेगी, आप भारत को कैसे देखते भारत हम और आपको क्या कहे, लेकिन आजकल वो जिस रास्ते पे चल पड़ा है मुसलमानों के खिलाफ जो मसलन वो यहूदियों के साथ खड़ा हो कि हमास का मुकाबला कर रहे फिलिस्तीनियों मजलूम फिलिस्तीनियों का मुकाबला कर रहे, उन्होंने एड भी भेजी और इसराइल के खिलाफ उन्होंने बाकायदा हिंदू जवान यहूदियों के साथ मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे, ये सबूत के साथ पड़े हुए आप देख ले भाई, वैसे मैं तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं इसराइल के पास पाकिस्तानी हथियार मिले हैं पाकिस्तानी मिसाइल्स मिले हैं, ठीक है कि नहीं ठीक है, अरे तुमको कुछ पता होता नहीं है यार, मुंह उठा के भी बोलते रहते हो, मैं आपको ये बता रही हूँ फलस्तीन में एड भिजवाई है और साथ ही साथ अकवामे मुत्तहिदा में उन्होंने वोट भी दिया इसराइल के खिलाफ कि जंग बंदी होनी चाहिए, मैं आपको ये बता
देखो वो आप नहीं जानते हो। नहीं मैं जानता हूँ उनको, उनके सब चीजों को। अब सऊदी के साथ ले, सऊदी के उनके साथ कितने अच्छे ताल्लुकात है, इस्लाम का घर है ना सऊदी, मोदी उनके साथ ताल्लुकात अच्छे है, दुबई के साथ अच्छे है, वो कौन सी ऐसी मुस्लिम कंट्री है जिन्होंने अपने भारत के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। तो ठीक है मैडम, हमारे भी जिस तरह मसलन रिवायती ताल्लुकात है वो है उनके साथ। सर उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऑफिशियल लेवल पर मसलन अगर उन्होंने हमारे जवानों की बचा लिया है तो हम उनका जरूर शुक्रिया अदा करेंगे। समझ, अगर कोई हमारे मसलन किसी जानवर को भी अगर बचा ले हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। समझ गए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि उसने किसी माँ की लफ्ती जिगर को, किसी बाप की लफ्ती जिगर को बचाए, चाहे हिंदू हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे जिधर का यहूदी हो, हमें इससे कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं। उसने उन्होंने अच्छा काम किया कि हमारे नौजवानों को बचाए, क्यों किसी का बेटा होगा, किसी का बाप होगा। अगर देखा जाए तो उनका पाकिस्तान के लिए क्या रिव्यू है? किन का? तो रिव्यू तो उनका जैसा भी हो, हम आपको पता है कि सोच रखते हैं पाकिस्तान। मैंने तो आप एक बात की मैडम जी कि वहाँ की आवाम को, पाकिस्तान के आवाम का, समझ गए। जिस दिन आपने पढ़ा होगा कि विराट कोहली ने भी कहा था कि मसलन भारत की आवाम और पाकिस्तान के आवाम के दरमियान कोई मुश्किल नहीं है, समझ गए। तो हम भी कहते हैं कि उनकी आवाम और हमारे आवाम में कोई मुश्किल नहीं है। बात अगर है समय हुकूमतों के दरमियान है और दूसरी बात नजरिए का, तो नजरिए अलग अलग चीज़ें, उनको अल्लाह ने अपना मुल्क दे दिया, हमें अपना मुल्क दे दिया। नजरियों की बुनियाद पर हम अगर ये कहें कि हमने उनसे दोस्ती नहीं करनी तो फिर चाइना के साथ तो हमारी दोस्ती होनी चाहिए थी, फिर अमेरिका की तो हमें बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अपने सेंटीमेंट से हमारे अपने सेंटीमेंट से हमको बात ही कर सकते हैं, वो अपने मतलब को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने को फॉलो कर रहे हैं, तो उस बुनियादों पर बात करनी चाहिए, तो वो भी इंसान, हम भी इंसान। देखो मैडम वो बात ठीक है, चाइना जो है ना, जिस तरह एक बात इधर एक और है कि मसलन इंडिया के साथ जो हमारे मसलन नजरिए की बुनियाद पे बात होती है ना, वो ये कि आपको ये बात अच्छा मालूम है कि हमारी आज़ादी किस वजह से हुई थी, कि मसलन पाकिस्तान मुसलमानों के लिए आज़ाद होगा और इस्लाम के नाम आज़ाद होगा, समझ गए। वो सिर्फ हिंदू होगा, सिर्फ मुसलमान होगा, उससे भी मुसलमान है, हमसे ज्यादा है, समझ गए। किसी का मजदूरी करना, ये तो मसलन हमारे प्यारे आका सल्लम उनके मसलन उस वक्त में भी होता था, मुसलमान जाते थे कुफार के साथ मजदूरी करते थे, कुफार आते थे मुसलमानों के साथ मजदूरी, ये कोई सर बात नहीं है मैडम जी। मजदूरी करना ये तो हमारी अपनी गलती है, समझ गए, हमारे मुल्क की मईशत ठीक नहीं है, समझ गए। और इधर अगर मसलन मईशत ठीक भी हो तो इतना मसलन इधर आपको नहीं मिलते मसलन जिस पर आप अच्छा सा गुजारा कर सके। बाकी किसी के पास जाना मजदूरी करना चाहे, किसी का